हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञान की दुनिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 बर्ड्स नेम को हिंदी और इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, इसे मैंने प्रोनंसिएशन के साथ बताया है। नंबर 1, मैना, MYNA, मैना। और मैना का मतलब होता है मैना। नंबर 2, OWL, आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू। नंबर 3, पैरोट, PARROT, पैरोट। पैरोट का मतलब होता है तोता। पैरोट मीन्स तोता। नंबर 4, क्रो, CROW, क्रो। क्रो का मतलब होता है कौआ। क्रो मीन्स कौआ। नंबर 5, पिजन, PIGEON, पिजन। और पिजन का मतलब होता है कबूतर। दोस्तों, इनमें से अधिकतर पक्षियों को, बर्ड्स को आप अपने आसपास रोज देख पाते हैं। नंबर 6, ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल का मतलब होता है चील। बहुत से पक्षी हैं जो बहुत कम दिखाई देते हैं, और बहुत से पक्षी जो हैं हमें रोज ही दिखाई देते हैं। नंबर 7, क्रेन, CRANE, क्रेन। क्रेन का मतलब होता है बगुला। नंबर 8, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया। नंबर 9, कॉक, COCK, कॉक। और कॉक का मतलब होता है मुर्गा। नंबर 10, हेन, HEN, हेन। हेन का मतलब होता है मुर्गी। दोस्तों, इनमें से कौन कौन से बर्ड आपके घर के आसपास दिखाई देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन सब के नाम क्या आपको पहले से पता थे, ये भी बताइएगा। नंबर 11, पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक का मतलब होता है मोर। नंबर 12, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग। नंबर 13, ईमू, EMU, ईमू। ईमू का मतलब होता है
ईमू। नंबर 14 वल्चर, वी यू एल टी यू आर ई, वल्चर, और वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। नंबर 15 फाल्कन, एफ ए एल सी ओ एन, फाल्कन, और फाल्कन का मतलब होता है सारस। नंबर 16 वुड पेकर, डब्ल्यू डबल ओ डी, वुड पी ई सी के ई आर, पेकर, वुड पेकर, और वुड पेकर का मतलब होता है कट फुड़वा। नंबर 17 टर्की, टी यू आर के ई वाई, टर्की, और टर्की का मतलब होता है टर्की। नंबर 18 डक, डी यू सी के, डक, और डक का मतलब होता है बत्तख। नंबर 19 स्वान, एस डब्ल्यू ए एन, स्वान, और स्वान का मतलब होता है हंस। नंबर 20 हमिंग बर्ड, एच यू डबल एम आई एन जी, हमिंग बी आई आर डी, बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड का मतलब होता है छोटी चिड़िया। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बर्ड्स नेम जितने भी बताए हैं ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से इन सब बर्ड्स नेम को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। और प्रोनंसिएशन को मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और जल्दी से आप बर्ड्स नेम को याद कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।